मुंबई पुणे हाईवे पर टैंकर में भीषण आग लग गई। केमिकल टैंकर में भीषण आग लगी, देखिए तस्वीरें। आग में जलने से 4 लोगों की जान चली गई है। पुल के नीचे से गुजर रही गाड़ियां भी इसकी जद में आ गई। ये तस्वीरें वाकई भयानक तस्वीरें हैं। एक केमिकल टैंकर में इतनी ज्यादा आग लगी और अब रुक रुक कर धमाके हो रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। फ्लाईओवर के नीचे की गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई और देखते ही देखते पूरा ये एरिया आग की चपेट में आ गया। पुलिस प्रशासन इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। राजीव हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजीव, बड़ा हादसा हुआ है और केमिकल टैंकर में अचानक से भीषण आग लगी और पूरा का पूरा एरिया, फ्लाईओवर के नीचे भी इसकी गाड़ियां जद में आ गई। बिल्कुल, देखिए बेहद ही हैरान कर देने वाला यह हादसा है, क्योंकि पुणे से मुंबई की दिशा में टैंकर आ रहा था, केमिकल का टैंकर था और अचानक से हादसे का शिकार हुआ और जैसे ही टैंकर जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई उसमें आग लग गई, चूंकि पूरी तरह से केमिकल भरा हुआ था, इस वजह से रह रहकर इसमें धमाके भी हुए और अगल बगल के कई किलोमीटर दूर तक ये आग के शोले जो है दिखाई दे रहे थे, आग के गोले दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ में उसका इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि लोग भी हैरान रह गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आग की लपटें थी केमिकल्स की वजह से, वो आग की लपटें ब्रिज के नीचे गिरी, जो वाहन नीचे से गुजर थे वो उसकी चपेट में आए। एक कार, अभी पुणे के एसपी से मेरी बात हुई है कि एक कार में 4 लोग सवार थे, वो ब्रिज के नीचे से गुजर रहे थे, वो इसकी चपेट में आए, उसमें से 3 लोगों की मौत हुई जबकि एक शख्स। राजीव, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, भयानक तस्वीरें हैं। फ्लाईओवर के ऊपर ये टैंकर मौजूद था, गाड़ी में आग लगी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जल गई। उसके बाद ये जो आग है वो फैलती हुई फ्लाईओवर के नीचे तक आ गई। दो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं एक साथ, कैसे हाईवे पर यह हादसा हुआ और किस तरह से आग बुझाने की कोशिशें अब की जा रही हैं। बहुत भयानक हादसा है, टैंकर में आग लग गई, 4 लोगों की जान चली गई। राजीव, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो रेस्क्यू चल रहा है मशक्कत के बाद, आग पर पूरी तरह से क्या काबू पा लिया गया है? राजीव, मैं आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर आ रही है हादसे पर, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट आ गया है, 4 लोगों की मौत हो गई है, बहुत दुखद हादसा है। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट में लिखा है, हादसे में घायल 3 लोगों का इलाज किया जा रहा है। राजीव, क्या आग बुझाने का काम पूरी तरह से हो गया है, पूरी तरह से बुझ गई आग? देखिए, जो हाईवे पर टैंकर में आग लगी थी उस पर तो नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन चूंकि आग के गोले अगल बगल के तमाम परिसर में फैल गए थे, इसके अलावा ब्रिज के नीचे का भी हिस्सा जो था वहां पर भी आग की लपटें पहुंची थी, तो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है, आग नियंत्रण में है। एक लेन जो है हाईवे का वो खोल दिया गया है, लेकिन दूसरा लेन अभी भी पूरी तरह से ठप है और एक ही लेन से दोनों तरफ की आवाजाही चल रही है। फिलहाल ट्रैफिक पूरी तरह से घंटों बाधित रहा, इस वजह से पुणे हाईवे जो है वो पूरी तरह से जाम हो गया है। कोशिश यही चल रही है कि इस घटना में जो 3 लोग घायल हुए हैं उन्हें बेहतर इलाज दिया जा सके, उन्हें अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल राजीव, बड़ी घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।